नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच का पहला दिन खेला जा रहा है और इस मैच में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अपने बल्ले से कमाल ही कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत पाएगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज वेस्टर्न में पांचवा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ओपनिंग करने उतरे। दोनों ने टीम को सदी हुई शुरुआत दिलाई। कंडीशन बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, लेकिन पुजारा और गिल ने डटकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और चार चौके भी लगा चुके थे, लेकिन फिर सातवें ओवर में जाकर आखिरकार इंग्लैंड को सफलता हासिल हुई। ओवर की दूसरी गेंद सटीक लाइन पर थी, हालांकि गिल ने गेंद को छेड़ा जो बल्ले के किनारे पर लगकर दूसरी स्लिप की ओर गई, जहां क्रॉली ने कैच लपक लिया। 24 गेंद में 17 रन बनाकर गिल वापस लौट गए और यहां से फिर पुजारा और हरमा विहारी ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। दोनों काफी देर तक क्रीज पर टिके रहे और टीम को 50 रनों के करीब लेकर गए, लेकिन फिर जेम्स एंडरसन ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर पुजारा को आउट कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर पुजारा आगे बढ़कर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और दूसरी स्लिप पर खड़े क्रॉली ने एक बार फिर से कैच लपका और इस स्टार खिलाड़ी की पारी का अंत कर दिया। 46 गेंदों में 13 रन बनाकर पुजारा लौट गए और पुजारा के जाने के बाद अब कोहली क्रीज पर आए। पहले सेशन के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन था। इसके बाद कोहली ने दूसरे सेशन की शुरुआत चौके के साथ की, लेकिन फिर 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर हनुमा विहारी LBW आउट हो गए। विहारी को पॉट्स ने अपना शिकार बनाया। 53 गेंदों में हनुमा विहारी ने 20 रन बनाए। वहीं इसके बाद 25वें ओवर में भारत ने विराट कोहली का अहम विकेट खो दिया। 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली बोल्ड हो गए। कोहली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरी समय में उनका मन बदल गया, लेकिन तब देर हो चुकी थी, गेंद स्टंप से टकरा गई। 19 गेंदों में 11 रन बनाकर वापस लौट गए। 71 के स्कोर पर टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे और टीम मुसीबत में आ गई थी। अब टीम की पारी को आगे बढ़ाने का धर्मदार श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के कंधों पर था और दोनों ने अग्रेसिव बल्लेबाजी करने का सोचा और ये टीम इंडिया के लिए काम भी आ रहा था। पंत और अय्यर हर ओवर में बाउंड्री लगा रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने के बाद श्रेयस अय्यर अगले ओवर में आउट हो गए। एंडरसन ने यह तीसरा विकेट हासिल किया। ओवर की 5वीं गेंद पर अय्यर रफ्तार से मात खो गए। गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और सैम बिलिंग ने कैच लपका। 11 गेंदों में 15 रन बनाकर अय्यर लौट गए और इस तरह 98 के स्कोर पर ही टीम इंडिया की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। दोस्तों, इसके बाद ऋषभ पंत को रविंद्र जडेजा का अच्छा साथ मिला और दोनों ने तेज बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पंत और जडेजा हर ओवर में बाउंड्री बटोरने की कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल भी साबित हुए। वहीं इसी बीच ऋषभ पंत ने जेम्स एंडरसन को एक ऐसा शॉट लगाया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। पंत ने एंडरसन जैसे गेंदबाज जो पहले ही 3 विकेट ले चुके थे, उस गेंदबाज को बाहर निकलकर एक तगड़ा शॉट खेला जो सीधे 4 रनों के लिए गया और पंत के इस शॉट को देखकर खुद एंडरसन भी हैरान रह गए और ओवर के बाद दोनों को इस शॉट को लेकर हंसी मजाक करते हुए भी देखा गया। पंत तेज बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं जडेजा भी कहां पीछे थे। जडेजा भी पंत का अच्छा साथ दे रहे थे और दोनों ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और टीम की पारी को संभाल लिया था। वहीं 37वें ओवर में तो ऋषभ पंत ने कमाल ही कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद स्पिनर जैक लिच को थमाई और इस ओवर में पंत ने 14 रन ठोक डाले। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर पंत ने लगातार 2 चौके जड़े। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त छक्का भी देखने को मिला। पंत ने टेस्ट को T20 बना दिया था और इसी के साथ पंत और जडेजा के बीच 6 विकेट के लिए 8 शतक की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया सस्ते में निपट जाएगी, लेकिन ऋषभ पंत और जडेजा ने टीम की इज्जत को बचा लिया। 38वें ओवर में टीम इंडिया ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं इसके बाद ऋषभ पंत ने चौका लगाकर मात्र 51 गेंदों में अपना 8 शतक भी पूरा कर लिया। तो दोस्तों, आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।